अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने पहले गोभी को 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल किया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखें, गोभी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल लिया है। इसको हमने ज़्यादा नहीं बॉयल करना, क्योंकि वरना ये बिल्कुल टूट जाएगी। अब पैन में हम ऑयल डालेंगे। अब इसमें छोटी साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें एक जो यह लहसुन का, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉपिंग कर लिया, इसको हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ऐड किया है। गोभी का मैंने एक छोटा सा पीस लिया था। अब हमने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हम इसमें बारी बारी सारे मसाला जात ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी ऐड करके हम इसको दम पे लगा लेंगे। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। गोभी को हम अच्छी तरह लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू का साइज़ हमने छोटा रखा है। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को गलने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके दम पे लगा लेंगे, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं, कच्चे ना रह जाएं। देखिए, मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है, हल्का सा, जस्ट आलू को गलाने के लिए। देखें, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन मिर्च ऐड करेंगे। ये हमने 2 कटी हुई ग्रीन मिर्च ली है। सालन हमारा रेडी है। अब हम इसमें चॉप किए हुए अदरक ऐड कर देंगे।
और थोड़ा सा इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी खुशबू आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।